तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गाड़ी के इस पूरे सस्पेंशन के ऊपर, पूरा सस्पेंशन सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ जाती है, और अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हो, डायग्नोस करने के तरीके क्या क्या हैं, या फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे या फिर गाड़ी को चला के देखेंगे, तो किस मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि सस्पेंशन सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है। मोस्टली देखिए सस्पेंशन सिस्टम जो है हमारी गाड़ी का, वो काम करता है हमको कंफर्ट देने के लिए, गाड़ी को जर्क प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि जर्क जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सपोज़ ये पहिया जो है अगर किसी खड्डे में गिरता है या फिर किसी जंप पे आता है तो वो सडनली उस पर जंप नहीं लगेगा, ये जो है ये व्हील्स और ये बुश के थ्रू से कनेक्टेड है, यहाँ शॉक एब्जॉर्बर है, एक स्प्रिंग कॉइल है, इस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेंगे और गाड़ी में हमको कंफर्ट लेवल फील होगा। तो जिस गाड़ी का सस्पेंशन जितना अच्छा जितना उम्दा क्वालिटी का होता है उस गाड़ी में हमको उतनी ज़्यादा कंफर्टनेस फील होती है, और जब गाड़ी का सस्पेंशन अच्छी कंडीशन में होगा तो उस समय भी हमको कंफर्टनेस अच्छी फील होगी, और अगर सस्पेंशन ख़राब है तो रफ रोड पे आवाज़ करेगा, खटर पटर इस तरह की आवाज़ें आएंगी, स्टेयरिंग आप इधर उधर मूव करोगे तो कभी प्रॉब्लम करेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये आ गया एक शॉर्ट में आपका कैसे काम करता है, अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो बहरहाल ये हो गया इसका काम करने का कि सिस्टम हमारा काम कैसे करता। तो अभी इसमें देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके मेजर पार्ट्स कौन से। देखिए सबसे मेजर पार्ट्स इसमें आता है एक शॉक एब्जॉर्बर, ये देखिए शॉकर जिसको हम लोग शॉकर बोलते हैं, ये स्प्रिंग कॉइल लगी हुई होती है और मेन इसी का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने का, झटके लेने का। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है गाड़ी में शॉकर ख़राब होने की आती है, और शॉकर से ही कैम्बर आउट होता है, ये कैम्बर होता है यहाँ से सेटिंग इसकी। और इसके बाद एक इसका जो सेकेंड मेजर पार्ट आता है वो इसकी आर्म, ये जो नीचे आर्म लगी हुई है, ये जो आपको दिख रही ये वाली आर्म, अब इस आर्म को कनेक्ट करने के लिए जितने भी बुशेस होंगे ये बुश जो हैं यही एक रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए मोस्टली क्या होता है कि एजेंसी वगैरह में ये पूरी आर्म नई मिलती है, नई डाल देते हैं। लेकिन इसके ये जो बुश दिख रहे हैं आपको, रबड़ बुश, ये वाला बुश और नीचे का बॉल जॉइंट, ये सारी चीज़ें अलग अलग मिल जाती हैं हमको, अगर हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हमको पूरा रिप्लेस ना करना पड़े और सिर्फ इससे हम काम कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है बैलेंस रॉड, ये देखिए ये बैलेंस रॉड है, ये गाड़ी की बैलेंसिंग यानी स्टेबिलिटी को बनाती है, और इस बैलेंस रॉड को लिंक करने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर से लिंक किया गया है, ये लिंक रॉड। तो ये लिंक रॉड हो गई, और एक क्या हो गया बॉल जॉइंट, स्टेयरिंग टाई रॉड एंड, ये देखिए। अब ये एंड इनका देखिए लगभग सारे ये जो एंड्स हैं ना ये सब एक तरीके से हैं, एक ही तरीके के, कैसे हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जैसे ये एक पुराना है गाड़ी का, दूसरी गाड़ी का है ये है। अब इसको कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये वॉल जॉइंट है नीचे वाला, वो भी ऐसा है, और ये एक है कनेक्टिंग, ये भी ऐसा है। तो यानी कि मेन इसका जो पार्ट है वो ये है, ये जो ये मूव करता है, ये इसमें जाम है, मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये होता है मेन। तो अब इसी पार्ट्स के थ्रू क्या होता है कि ये इसको स्टेबल बनाता है गाड़ी को। जैसे अभी ये चिमटा ऊपर आएगा, ये जो आर्म है इसको चिमटा भी बोलते हैं, तो ये जैसे ऊपर आएगा तो ये रबर बुश के थ्रू ये भी ऊपर आएगा और ये इसको घूमने में मदद करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली उसको नहीं घूमने देगा, थोड़ा सा उसको स्मूथ देगा, स्मूथनेस देगा, और यही सारी चीज़ें ये स्मूथनेस देने का इसमें काम करती हैं। तो ये देखिए आर्म हो गई, बुशेस हो गए, और ये बॉल जॉइंट हो गया, एंड हो गए, ये सारी चीज़ें। अब इस सेम जैसा ही सेट उस साइड होगा, तो ये हो जाएगा फ्रंट सस्पेंशन हो गया। और मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है फ्रंट सस्पेंशन में ही आती है, अभी रियर में भी मैं आपको दिखाऊंगा रियर में क्या होता है। रियर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लफड़ा कुछ नहीं होता है, उसमें सिंपल एक शॉक एब्जॉर्बर है और जो इसकी ट्यूब होती है, ट्यूब के साथ बुश लगे हुए होते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। देखिए इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो बुश कट जाने की वजह से होती है। इसके जो बुश लगे हुए हैं ये साइड में दिख रहे हैं आपको, ये बुश कट जाते हैं, या फिर ये एंड वगैरह कोई कट जाता है, ये लूज़ हो जाता है, जैसा कि ये लूज़ हो गया है, ये इस तरह से लूज़ हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। मोस्टली जो इसकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम है वो यहीं से है, जो गाड़ी इधर उधर भागने लगती है या फिर खड़खड़ की आवाज़ करती है वो इस बुशेज की वजह से होती है। तो इसके मोस्टली क्या होते हैं कि बुश कट जाते हैं, और सेकंड में क्या होता है इसका जो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि शॉकर है, ये शॉकर लीक हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा या जाम हो जाएगा, या फिर ये स्प्रिंग कॉइल जो है, ये स्प्रिंग वाली कॉइल, ये हार्ड हो जाएगा।
तो ये जो है इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इन प्रॉब्लम को हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे गाड़ी चलाते समय? सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम कैसे पता करेंगे इसको कि क्या प्रॉब्लम है सस्पेंशन में? आप तो गए मैकेनिक के पास, उसने आपको बता दिया जी इसका पूरा सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन होगा मतलब आप लोग समझ लेते हैं कि पूरा कुछ एक ये पार्ट्स है और ये 20-25 हज़ार रुपये इसको दे के हम लोग पूरा नया करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर हम लोग चेक करें तो जो पार्ट ख़राब है वो सिर्फ पार्ट डाल के हम लोग काम चला सकते हैं। तो अब इसको डायग्नोस करने के लिए देखिए दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप गाड़ी को ड्राइव करें और ड्राइव करके अंदाज़ा लगाएं। कि ड्राइव करके अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी टर्न करते हैं इस तरीके से। अब टर्न करते हैं तो गाड़ी स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा बैलेंस झोल मारती है, ज़्यादा ऐसे ऐसे हिलती है। अब ज़्यादा अगर ऐसे ऐसे हिलती है तो इसका मतलब कि शॉक अब्जॉर्बर जो है शॉकर में प्रॉब्लम है, उसको हमको एक एक करके सारे शॉकर चेक करने होंगे। दूसरा क्या होता है कि गाड़ी हम लोग चला रहे हैं गड्ढे में, अब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो उसकी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है, यानी कि एकदम से जंप लगता है और एकदम से खट की आवाज़ आती है, शॉक पूरा नहीं लेती, तो फिर हमको पता लगता है कि हमारा जो है सस्पेंशन वीक है। तीसरा क्या होता है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं और स्टीयरिंग काटते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने स्टीयरिंग एक साइड घुमाया लेकिन अचानक गाड़ी ज़्यादा घूम गई, या कभी हमने इस साइड घुमाया और इधर ज़्यादा घूम गई, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये भी एंड की वजह से होती है। स्टीयरिंग एंड जो होते हैं ये कटे होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका हमने गाड़ी चला के उसको पता किया कि ये प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, दूसरा एक और तरीका क्या है इसको पता करने का, कि आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अब फिजिकल इंस्पेक्शन करके आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पार्ट ख़राब है? तो देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रबर बुश होते हैं इसमें मोस्टली वही ख़राब होते हैं। रबर बुश जैसे आपको ये दिख रहे हैं, रबर बुश आपको चटके हुए दिखेंगे, क्रैक दिखेंगे, ये देखिए क्रैक दिखे रहे, इसका मतलब जल्दी ही इनका चेंज करने का नंबर आएगा। और ये टूटे हुए दिख रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा काला ब्लैकनेस दिख रहा है, ज़्यादा ब्लैकनेस यानी कि इसको जल्दी चेंज करना है। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि ये एंड है, ये एक मैं खुला हुआ एंड दिखाता हूँ आपको, सपोज़ ये है, इसको खोलेंगे तो ऐसा होगा, ये एक मैं एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसको आप लोग हाथ से ऐसे मूव करके देखेंगे, ये देखिए ये भी टाइट है, इसका मतलब टाइट है तो इसको चला सकते हैं। और अगर ये ऐसा हो गया है, ये देखिए ये बिल्कुल लूज़ हो गया, यानी कि ये बिल्कुल भी इसको स्मूथ नहीं बनाएगा, तो ये ख़राब हो गया, तो इसको हम चेंज कर देंगे। और अगर ऐसे ही हमको चेक करना है बाहर से, तो बाहर से क्या होता है, जब भी ये ख़राब होता है तो इसके ऊपर की जो ये रबर दिख रही है, ये रबर पहले क्रैक होके ख़राब हो जाती है। और जब ये रबर क्रैक हो जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से ये रबर ऐसे दिखने लगेगी, जब ऐसा दिखने लगेगी तो ये एक इंडिकेशन है इसका कि ये जो जॉइंट है ये ख़राब हो चुका है, अब इसको हमको चेंज करना है। और चेंज करने के लिए सिंपली सारी चीज़ें अलग अलग हमको मार्केट में मिल जाती हैं, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बीट के नाम से और शेवरलेट बीट का ही ढूंढना पड़े। कंपनियाँ जो होती हैं, हर कंपनी खुद अपने लिए पार्ट नहीं बनाती है, उस कंपनी का पार्ट बनाने के लिए वेंडर्स होते हैं, वही वेंडर्स मारुति को भी सप्लाई करता है और वही वेंडर जो है शेवरलेट को भी देता है, और कभी कभी वही वेंडर महिंद्रा को भी देता है। तो क्या होता है, ये लोग अपने पार्ट्स मार्केट में भी देते हैं, तो वो मार्केट्स में अलग अलग पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जबकि आप एजेंसी पे जाएंगे तो पूरी आर्म लेनी पड़ेगी ये बुश के साथ। लेकिन अगर आप मार्केट से लेते हैं किसी अच्छी कंपनी का, जैसे राने वगैरह का ले लेते हैं, तो मार्केट से आपको ये बुश वगैरह सारे अलग से मिल जाते हैं। ये 200-300 रुपये का बुश मिल जाएगा, 300 रुपये का ये बुश मिल जाएगा, 500 रुपये की रॉड मिल जाएगी। तो ऐसा करके जो मेन पार्ट्स हम चेंज कर सकते हैं, बाकी ये जो मेटल का पार्ट है, ये जो चिमटा है जिसको आर्म कह रहे हैं हम, ये जब तक एक्सीडेंट ना हो या कोई ऐसा मेजर जर्क ना आए, बैंड ना हो, तो ये ख़राब नहीं होती, तो इसको सालों साल हम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक प्रॉब्लम आती है जो कि शॉक अब्जॉर्बर के साथ, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग कॉइल, ये जो स्प्रिंग दिख रहे हैं ये हार्ड हो जाता है, डाउन हो जाता है, और ये डाउन होने से क्या होगा, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, गाड़ी डाउन हो जाती है। अब डाउन होगी तो नीचे से जब भी हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो किसी भी ब्रेकर पे टकरा जाएगी, छोटे से छोटे पत्थर पे टकरा जाएगी। तो इसके लिए कैसे इसको ठीक करना है, इसके कई सारे तरीके हैं, वीडियो हो रही है बहुत लंबी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और बाकी का जो इसके पार्ट्स हैं, बाकी जो इसका काम है, कैसे इसको रिपेयर करना है, इसके ग्राउंड क्लियरेंस कैसे बढ़ाना है, और क्या क्या टिप्स हैं इसको बचाने के लिए, तो वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।